नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर चलते हैं अपने खास कार्यक्रम की ओर। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी भी बोलेंगे। अपने इस खास कार्यक्रम में हमारे बीच में है फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह जी पम्मा। परमजीत सिंह जी पम्मा, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, राष्ट्रीय अकाली दल के नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी कहीं किसी गलत बात को देखते हैं तो ये प्रतिकार करने के लिए सिंह की भांति खड़े हो जाते हैं। की पहचान मीडिया जगत में भी इनकी है कि कभी भी किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते। कई लोगों को बुरा भी लगता है और कई लोग सराहना भी करते हैं और बुरा तो लगना ही है, क्योंकि जब भी हम किसी अच्छी बात करने आते हैं और समाज में कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं उन लोगों को तो बुरा जरूर लगेगा जो चाहते हैं कि देश के लोग हमारे पिछलग्गू बन कर ही रहें। तो हम ऐसे शख्सियत का नेशनल थॉट्स में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आलोक गौड़ जी हमारे साथ हैं और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि परमजीत सिंह जी पम्मा की आवाज व्यापारियों की आवाज है। वैसे सदर बाजार देश के हर राज्य में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका नाम रखा गया है, लेकिन दिल्ली का जो सदर बाजार है अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ऐसे ऐतिहासिक बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाले पम्मा जी आज हमारे बीच में है। आज हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आलोक जी शुरुआत करते हैं। पम्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ पम्मा जी, ये बताए कि पिछले 1.5 साल में जब से कोरोना नामक महामारी ने भारत को अपनी गिरफ्त में लिया है, तब से व्यापारियों को किन किन समस्याओं का सामना करना? देखिए, जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, सबसे बड़ी बात तो व्यापारियों को तो ये समझ लो हर समस्या के ऊपर जूझना पड़ रहा है। पहली समस्या आर्थिक समस्या, दूसरी समस्या जिस प्रकार के उसके ऊपर हर टैक्स का लोड पड़ना, कोई भी सरकारी तौर पर सुविधा ना मिलना, और आने वाले समय में जिस प्रकार लगातार लेबर को अपना तनख्वाहें देना और भी जो खर्चे हैं, किसी प्रकार का भी ये समझ लो सरकार की ओर से राहत नहीं है, मगर सरकार की ओर से लोड जरूर आ जाता हमेशा कि टैक्स सही टाइम पे जमा कराओ, बिजली के बिल जमा कराओ। हमने यहाँ तक के भी कहा भाई स्कूल फीस के लिए भी हमारे लिए कुछ किया जाए, मगर कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि व्यापारी को ये एक तरह से, मैं एक व्यापारी साथ में मीडियम क्लास को, ये अछूत मानते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कभी भी इनको छू लेंगे तो ये ना हो कि हमारा कोई गलत हो जाए या हमारे लिए ये ना हो कि हमारी सरकार चली जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो हाई क्लास है उसको तो उनके तो लोन भी पास कर देते हैं, मतलब कि माफ कर देते हैं और हर चीज की उनको सुविधा दे देते हैं। जो लो क्लास है उनके लिए राशन भी है, पेंशन भी है और भी कई सुविधाएं हैं, मगर जो व्यापारी है, जो देश में कभी भी हालात ऐसे हुए हैं, देश में कभी भी दिक्कत आई है, तो व्यापारी ने बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग दिया है। चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो गुजरात भूकंप हो, चाहे वो किसी प्रकार में कश्मीर में हो, या कभी भी देश में कभी भी कोई आपदा आई है, तो व्यापारी कभी पीछे नहीं हटा। मगर इस समय सबसे बड़ी आपदा व्यापारी के लिए आई हुई है। आज व्यापारी सरकार की ओर देखता रहता, मगर सरकार कुछ नहीं करती। लास्ट में क्या करती है, सरकार की बड़ी अच्छी नीति है, सरकार क्या करती है, हमारी दुकानें सब कुछ जान के लेट तक बंद रखती है। उसका कारण क्या, हम कहते चलो ये हमारी दुकानें ही खोल दो भाई जी, इतना ही आप कर दो, वहां पर ही जाके कुछ कर रहे, उसके अलावा हमें कोई सरकार से उम्मीद नहीं है। आपने आपदा के समय सरकार से क्या उम्मीद की थी और वो किस हद तक पूरी हुई? कोई भी देखो उम्मीद पूरी नहीं हुई। देखिए मैं आपको बताऊं, किसी प्रकार की भी नहीं। हमने पहले कहा, देखिए मेरी बात सुनो, कि जो भी हमारे टैक्सेस हैं या कुछ है उनको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो हमारी ईएमआई जाती है उनके लिए 6 महीने या अभी साल के लिए टाल देना चाहिए, जो बैंकों के लोन है या कुछ है। तीसरी थी कि जो बिजली के बिल है, जब हमारी दुकानें फैक्ट्री बंद है, तो भैया एक बार बताओ हम कहाँ से बिल भरें,
वह एक मतलब कि चार्ज है वो तो उन्होंने लेने ही लेने, जो फिक्स चार्ज है वो हम भरते लाखों रुपया, जिनकी दुकानें किराए पर है, जिनके मकान किराए पर है उनको कोई सुविधा नहीं, उसके अलावा लेबर की हर तरह की तनख्वाह देनी, मतलब कि हमने ये कहा था बिजली के बिल जो है कुछ छूट मिले, हमारे स्कूल के फीसों के ऊपर जो भी है उस पर भी छूट मिले, और टैक्सी के लिए जो हमें समय दिया जाए जिस प्रकार भरने का, भरने में कोई पीछे नहीं हटते। मगर सरकार का क्या होता है, जिस टाइम मार्केट खुलती है उस टाइम एकदम आ जाते भाई तुम्हारा तो सेल का मौका ही, अरे सेल क्या 3 महीने तो मार्केट बंद रही, फिर 3 महीने काम उठने में लग गया, आपके तो टैक्स भी चाहिए, आप व्यापारी को मतलब कि वो टांगों से मार रहे हो जो समझ हम सोच ही नहीं सकते कि व्यापारी देश के लिए एक तरह से ये समझ लो कि देश के योगदान में उसका सहयोग है या सरकारी डंडे खाने के लिए यहाँ पर आए हो। पिछले साल जब एपिडेमिक शुरू हुआ था इंडिया में, तब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 20,000 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा, तो उसमें से व्यापारियों को कितना हिस्सा? देखियो उससे तो व्यापारियों के खजाने भर चुके हैं समय, आपको बताऊं व्यापारी तो हंसी हंसी ये समझ लो कि हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, कितना पैसा आ चुका है उसमें से। अरे भाई जी क्यों मजाक कर रहे हो हम व्यापारियों के साथ, क्यों उस दर्द को छेड़ रहे हो जो दर्द आज तक हम लेके बैठे हुए हैं, जो हम कहते हैं पैकेज तो आया पर वो पैकेज है कहाँ, वो किस समुन्द्र में डूब गया, किस जहाज में उड़ गया, कहाँ पर रह गया? ये तो लगता है कि जैसे पहले आ रहे थे हमारे 15 लाख रुपए, वैसे ये पैकेज भी आ गए। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और अपनी मांगे मनवाने के लिए अब व्यापारी क्या कदम उठाए? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, व्यापारियों में भी क्या दिक्कत आ गई है, व्यापारियों मीडियम क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है अलोक जी, ये कई भागों में बढ़ चुका है, पहले बढ़ चुका है राजनीतिक तौर पे, फिर जाति में धर्म में इस प्रकार बढ़ चुका है, ये कभी इकट्ठा ही नहीं हो पाता। आज मेरी बात सुनो, जब उद्योगपतियों की बात आती है ना, जितना मर्जी कंपटीशन हो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, भैया हमें तो फंड चाहिए, हमें तो कुछ पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए। जब निचले लेवल की आ जाती है वो भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। व्यापारियों को या मीडियम क्लास को इन्होंने इस तरह से बांटा हुआ है कि कोई कुछ बोल दे, कोई बोल दे जी मेरे पास पैसे नहीं है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे जैसे अब फीस देने के लिए पैसे, अरे गवर्नमेंट में पढ़ा लो ना, कर लो ना। अच्छा आपस में ही एक दूसरे को लड़ा के रखा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि कई बार बोल देगा कोई हिंदू मुसलमान के ऊपर बात आ जाएगी, कभी सिख के ऊपर आ जाएगी, मतलब इस तरह का सरकारी तंत्र ने जो गेम खेली हुई है ना, उसके कारण मीडियम क्लास और व्यापारी इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा और उसका जो फायदा सरकार ले रही। तो इसको इकट्ठा करने के लिए आप क्या करोगे या आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? देखिए हम लगे हुए हैं, काफी हमारी चल रहा है, हम हर व्यापारी को हमारी लगातार इस प्रकार की कई बैठकें हो रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हर जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने अपने सेल बना दिए, व्यापार सेल आपने देखा ही होगा आप पुराने, तो अब क्या है हम ये चाहते हैं आपका सेल, आप जिस मर्जी पार्टी में रहिए हमें कोई मतलब नहीं है, मगर पहले व्यापारी बनिए, पहले व्यापारियों के हित की बात करिए, सब कुछ करिए जिस मर्जी में हो, क्योंकि कारण क्या है आज नहीं तो कभी नहीं, आज आप कोई पैकेज नहीं ले पाए, जिंदगी में कुछ नहीं ले पाओगे इस महामारी में भी। इतनी महामारी में आप ये देखो, इतने टैक्स भरने के बाद, इतना सब कुछ देने के बाद क्या व्यापारी को सहूलत मिली? आज व्यापारी भटकता रहा हॉस्पिटलों में, व्यापारी हर चीज में मतलब कि सरकार से तरले करता रहा ऑक्सीजन के लिए, मतलब आम बंदा तो करता ही करता, मतलब कि व्यापारी और मीडियम क्लास तो इस प्रकार भटक गया, जो हाई क्लास था उसके पास पैसा था, उसने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा लिया, सब कुछ है या कोई भी है, या जो कहीं तो विदेश ही चले गए, मैं अब क्या बोलूं आपको सब पता ही है। और यहाँ पर जो थे जो लो क्लास है उसको भी सरकारी तंत्र पूरा सब कुछ मिलता रहा, मगर जो मीडियम क्लास और व्यापारी को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली, इस कारण कई व्यापारी जो अपनी जान तक गवा बैठे, जो हमारे व्यापार को हम तो उनको शहीद ही कहेंगे, जो व्यापार जगत में शहीद हो गए इस कोरोना महामारी। दर्द जुबान से जब छलकने लगे तो ये समझ लें कि वो दर्द अब नासूर बनने वाला है, वो जख्म अब नासूर बनने वाला है। सरकार को भी इन बातों का ख्याल रखना होगा कि आखिरकार
व्यापारी वर्ग देश की उन्नति और विकास में ऋण मानी जाती है। एक सवाल कुछ और है आलोक जी का, कुछ और पूछना चाहते हैं जी? जी फौरी तौर पर व्यापारी इस टाइम सरकार से फौरी तौर पर क्या राहत चाहते हैं, और वो ना मिली तो व्यापारियों का अगला कदम क्या हो? देखो व्यापारियों को पहला यही है, जिस प्रकार बिजली के बिल हैं या दूसरी कई चीजें हैं, अपना मैंने कहा कि अपना टैक्सेस है, स्कूल, इस प्रकार का हमारे कोई ज्यादा, देखो हमारे कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा हम नहीं कर सकते है बिजली का बिल के लिए, तो कह लेंगे कि प्राइवेट जब सरकार इलेक्शन में आके घोषित कर देती है ये बिजली के बिल फ्री सब कुछ है, तब प्राइवेट नजर नहीं आता। आज प्राइवेट उनको नजर आने लग गया। आज देखिए ना, आज जब इलेक्शन आते हैं, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के हो, हर सरकारें अपने अपने दावे ठोक देती है, हम ये चीज देंगे ये चीज देंगे, मगर जब बात आती है कभी आपदा आए तो समय आंखें मोड़ लो। ये क्यों भाई? आज सबसे बड़ी जरूरत है इन व्यापारियों की उंगली पकड़ने की। अगर ये व्यापारी बैठ गए तो ये समझ लो, तो मुझे तो इसमें ये भी लगता है, जो अपना भविष्य खतरे में क्या लगता है, देश का भविष्य खतरे में लगता है कि ये छोटे व्यापारी को पूरी तरह खत्म कर दो, जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी हम नौकरियां करें, उनके ऊपर ही हम निर्भर रहे, वो जो हमारे आगे फेंके तो हम वही बेचें, या जो दे तो वही कमाए, बस सीधी बात है। ये सिर्फ गेम खेली जा रही है छोटे व्यापारियों के साथ। ₹5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऐसे ही तो बनेगी। देखिए अब जो मर्जी इकोनॉमी बनाए या कुछ भी बनाए, मगर किसी की अर्थियों पर इस प्रकार राज करके इकोनॉमी बना ले तो कोई फायदा नहीं है। भाई साहब देखिए मेरी बात सुनिए, आज इतिहास है, बड़ी बड़ी चीजें आई हैं, बड़ी बड़ी चीजें चली गई हैं। समय जरूर इस समय व्यापारियों का या आम बंदे का बहुत खराब है, मगर ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जब एक ज्वाला फूटेगा ना तो पूरी दुनिया में बता देता है क्या चक्कर है। मुझे बोला जाता है, सुनिए अलोक जी, मुझे बोला जाता है कि आप तो बड़े बड़े ऊंचे नारे लगाते हो, जंतर मंतर पे वो करते हो, ऊंचा बोलते हो। मैंने एक ही चीज बोलता हूँ, भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फोड़ा था, किसी को मारने के लिए नहीं फोड़ा था, उसने पूरी दुनिया को अपनी आवाज बताने के लिए फोड़ा था, मेरे देश में ये गलत हो रहा है। मैं जो बम फोड़ता हूँ अपने मुंह से फोड़ता हूँ, वो बम फोड़ता हूँ दुनिया को बताने के लिए, मेरे व्यापारियों के साथ ये गलत हो रहा है, मेरे मीडियम क्लास के साथ ये गलत हो रहा है, मेरे आम लोगों के साथ ये गलत हो रहा है। तो ये चीज है, ये चीज कब तक रोकेंगे? क्या देखिए मेरी बात सुनो, आए भगत सिंह को याद किया जाते, कई एमपीओ को पता नहीं, एमपी आए, कई प्रधानमंत्री आए, कई कोई आए, उनका नाम नहीं होगा मगर भगत सिंह का नाम होगा, ये याद रखना। जरूर भगत सिंह आएगा और इस दुनिया में और ये चीज बता देगा, जो ये राज करने वाले बंदे हैं उनको ये बता देगा कि आम बंदा रोता है तो ये समझ लो, तो फिर वो सत्ता में बैठने लायक भी नहीं है जो राज करने वाले। जी तो सत्य है, उसके करीब आपने अपनी बातों को रखा है, सरकार भी इन बातों को सुने और गौर करे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है, और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी भी अपनी आवाज उठाएंगे। और हमारा यह खास कार्यक्रम किसी भी सरकार, किसी भी समुदाय और किसी भी समूह की आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। पम्मा जी एक आखिरी सवाल हम आपसे, कि आखिरकार सरकार को क्या कुछ करना चाहिए ऐसी घड़ी में, सलाह और एक सुझाव भी आपकी तरफ से सरकार की ओर जाए। जी देखिए पहली बात तो सरकार को ये करना चाहिए, जिस प्रकार हमारे व्यापार हैं या जो भी है उसकी एक थिंकिंग देखकर लोन देना चाहिए इस समय, जो बिना इंटरेस्ट के हो, क्योंकि तो कारण क्या है, अगर ये व्यापार ठप हो गया तो जितनी बड़ी बड़ी फर्में हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा और देश की आर्थिक व्यवस्था को। अगर बाहर की फर्मों से हम काम करेंगे, एक तरह से कहते हैं चाइना का माल मत मंगवाओ, चाइना से काम मत करो, ठीक है हम कहते हैं नहीं करें, पर अपनी इंडस्ट्री को तो उठाओ, अपने व्यापारियों को तो कोई सहयोग करो। आप एक जैसे जिसका भी इनकम टैक्स देखो या जिसका भी जो व्यापार देखो, उस प्रकार का उसको एक पैकेज बांध के लोन दिया जाए, जो जिसपे वो ये जो आने वाले समय में अपना व्यापार कर पाए, काम काज कर पाए, और जो
मतलब कि जिसको ये लिया जाए कम शर्तों पे ये लोन दिया जाए, क्योंकि अगर इस प्रकार मार्केट उठ गई तो बहुत ही अच्छा आने वाले समय में सरकार के खजाने भर देगी ये, क्योंकि व्यापारी जो है हमेशा सरकार के हित में रहा है। मुझे कई बार कहते हैं सारे कि आप तो बोलते रहते, मैं क्या एक बात बताओ, ये सरकार के आगे नहीं बोलूंगा, सरकार हमारी माई बाप है, हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है, हम ये सरकार के आगे नहीं बोलेंगे, क्या अमेरिका की सरकार से मांगेंगे, क्या चाइना की सरकार से मांगेंगे, क्या ताइवान की सरकार से मांगेंगे, हम तो मांगेंगे अपनी सरकार थी ना, तो उसके आगे ही रोएंगे, क्योंकि हमने ही चुन के भेजी है, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे, हम सीधी बात कर रहे हैं कि आने वाले जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए सरकार को भी ये चाहिए कि इस प्रकार के कई नीतियां अपनाए, इस प्रकार के जो पैकेज घोषित करे, जो आने वाले जो नुकसान व्यापारियों के हो रहे हैं वो किसी प्रकार भी व्यापार चलाने में पूरा करे। जी, एक आज के समय में बहुत चर्चित मामला है कि घर घर शराब पहुंचाने की योजना दिल्ली सरकार ने लागू कर दी है, तो व्यापारियों को क्या लगता है कि एक व्यापारी होने के नाते आप कितना इसका समर्थन करते हैं, कितना अच्छा है और कितना हास्यास्पद है? देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये तो शराब की आप बात कर रहे हो ना, शराब तो मैं कहता हूं बिल्कुल ही गलत नीति अपनाई गई है। बाकी वैसे भी ऑनलाइन बिजनेस में जिस प्रकार आज हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, पर ऑनलाइन बिजनेस आपको क्या चीज चाहिए, आपके घर पहुंच जाएगी, आपको कपड़ा चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको खिलौना चाहिए, आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, आपको जो भी चीज चाहिए वो आपके घर पहुंच रहा है, मगर दुकानदार की दुकान बंद है। ये चीज है जो इस प्रकार की जो मार्केटिंग है ये टैक्स चोरी में भी बहुत बड़ा योगदान होता है इनका। और दूसरी बात क्या है कि ये मार्केटिंग में व्यापार को भी बहुत नुकसान होता है। सरकार चाहे शराब हो चाहे कोई भी चीज हो, मैं कहता हूँ शराब को तो आपने खोल दिया तो दुकानों को बंद रखा हुआ है, जो मेन दुकानें हमारे लोगों की रोजगार की, खाने की या सामान बेचने की, आप ये नहीं देख रहे एक सामान आता है उसकी डेट खत्म होने पे आ गई है कि भाई उसकी जो वैलिडिटी है लास्ट चल रही है या खत्म हो चुकी है, या किसी बारिश में चूहे अंदर आ चुके हैं, पानी अंदर आ चुका है, या किसी प्रकार की व्यापारी इससे जो नुकसान होता है उसका भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई क्यों नहीं सरकार करती। जब सरकार टैक्स लेने की हकदार है तो सरकार का भी फर्ज है कि इस प्रकार का कभी व्यापारी का नुकसान होता है, जब कभी ट्रेन एक्सीडेंट होता है, जब कभी कोई बस एक्सीडेंट होता है, कभी हादसा होता है, सरकार घोषित कर देती है कि इसमें जो मृत्यु हुए हैं या इसमें जो नुकसान हुआ उनको इत्तला दिया जाएगा, तो व्यापारी के लिए क्यों नहीं किया जाता? क्या व्यापारी इस देश में इसलिए आया है कि इस देश के में बस उसका काम है सरकार को टैक्स इकट्ठा करके देना और मार खाते रहना? अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाता है, क्या सरकार मेरे परिवार के लिए कुछ है, कोई मतलब कि जिस प्रकार का, चाहे मेरे बच्चों की शिक्षा का हो, चाहे कुछ इस प्रकार की दुकानदारों की, व्यापारियों की जो भी फैक्ट्री में, इंश्योरेंस भी सरकार की ओर से होनी चाहिए या उनकी इनकम टैक्स देखकर कुछ होना चाहिए, भाई इतना मंथली इनके परिवार को दिया जाएगा, तो इस प्रकार की क्यों नहीं लाते? आज कई ऐसे परिवार हो चुके हैं कि जो बेबस हो चुके हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी घोषित कर देते हैं कई चीजों को या प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं, मगर आपको भी पता है वो कहां तक लागू होती है, क्या चीज लागू होती है, कहां तक मिलती है, और ना के बराबर मिलती है। अरे आप एक उसकी देखिए, एक बार बताओ, जिस बंदे का खर्चा ही फैक्ट्री का, घर का और बच्चों का खर्चा ही मैं कहता हूँ 20,000 रुपये महीना, उसको 2,500 रुपये महीना दे दोगे तो वो क्या करेगा भाई? उसकी इनकम देख लो, इनकम टैक्स क्या था उसका, सब कुछ करते हो उस हिसाब से करो, सब पैकेज बांधो, मगर नहीं, क्योंकि कारण क्या है, सरकारें हमेशा चाहती है ये व्यापारी हमेशा दबा रहे, ये व्यापारी कभी उठ ना पाए। आज हालात ये हो चुके हैं, व्यापारी बेबस हो चुका है, व्यापारी को ये नहीं समझ आ रहा कि वो करे तो क्या करे, दुकान खोलता है तो जो उसका स्टाफ है वो आ जाएगा, तनख्वाह लेने भी, सारे टैक्स लेने भी, सब कुछ आ जाएगा, नहीं खोलता तब भी मरता है, अब तो उसके लिए दोनों तरफ मौत है। अगर एक चीज बताइए, मैंने किसी को माल दिया, वो व्यापारी की तत्व हो गई, ठीक है, अब उसका पैसा तो आना नहीं, पर वो नुकसान तो मुझे ही है ना, ठीक है ना, तो भैया मैं कहां नुकसान, मेरा तो पैसा कहीं जगह डूब गया, इस प्रकार जो व्यापारी है। तो क्यों सरकार ऐसी नीति नहीं अपनाती? जब सरकार कहती है भाई तुम ई वे बिल से काम करो,
टैक्स जो है ऑनलाइन जो है बिलिंग करो, सब कुछ करो, फिर ऑनलाइन पता नहीं लग रहा है कि इनको इससे पैसे नहीं आए, इससे ये व्यापारी से पैसे नहीं आए, तो इसका हम किस प्रकार से इसके पैसे वसूल कराते हैं, ये क्या कारण है, क्यों नहीं पैसे आ रहे, तो इसलिए ये चीजें हैं। बहुत सुंदर, एकदम सही आपने बात कही कि जैसे सरकारी कर्मचारी या किसी भी विभाग में काम करने के बाद 60 साल के बाद वो रिटायर्ड होते हैं और उसके बाद उनकी पेंशन योजनाएं शुरू हो जाती है, लेकिन एक व्यापारी अपने व्यापार शुरू करने से लेकर और अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक सरकार को कर के रूप में टैक्स भरपाई करता है। आज का कार्यक्रम हमारा यहीं तक, और अगले पड़ाव में फिर हम पम्मा जी के साथ जुड़ेंगे और भी व्यापारियों की मूलभूत सुविधाओं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पम्मा जी, आपका, अपने व्यापारियों की आवाज आपने बुलंद की है। धन्यवाद।